भैया मेरी बीवी ने तो साफ साफ कह दिया है कि इस घर में रहना है और तरीके से रहना है, तो सुबह शाम बीजेपी बीजेपी करना पड़ेगा। नहीं समझे? बी से बर्तन, जे से झाड़ू और पी से पोंछा। मैंने मान लिया है, तुम भी मान जाओ। गुड मॉर्निंग इंडिया, केम छो बच्चो, मजा मा। वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर, इसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। जैसा कि आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में, चैप्टर 3 हो गया था आपका खल्लास, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आज हम करने जा रहे हैं उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, जिसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये एडिटर्स भी बड़े दिलचस्प होते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी एडिटिंग कर लेंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी ऐप मोबाइल के अंदर। तो आपके पास, सबके पास एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल होंगी। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। बच्चों जैसा कि आपको मैंने बताया था, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट, हवाई जहाज भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है अगर उसको हजारों किलोमीटर दूर की डिस्टेंस से देखा जाए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में वो क्या नजर आएगा आपको, मात्र एक तनिक सा बिंदु, मात्र एक तनिक सा बिंदु। और अगर आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे, बहुत पास से ऑब्जर्व करोगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा सा स्फेयर नजर आएगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ही यही होती है कि अगर उसका अपना डायमेंशन के कंपैरिजन में ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में वो वाला ऑब्जेक्ट आपको माना जाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पॉइंट में आपको दिया हुआ है, एक रेलवे कैरेज है, एक रेल का डिब्बा है जो बिना झटकों के दो स्टेशन के बीच में ट्रेवल कर रहा है। बच्चों आमतौर पर दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द रेल का डिब्बा, इसकी वजह से हम रेलवे कैरेज को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। बी है, एक बंदर है सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए मैन, जो आदमी की टाट पे बैठा है, आदमी की टाट पे बैठा है। साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक इतना बड़ा नहीं होता आमतौर पर जिसको हम बंदर को पॉइंट ऑब्जेक्ट माने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कंफ्यूजन वाला, अगर आपने कोई बहुत बड़ा सर्कुलर ट्रैक ले लिया तो हम बंदर को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपने सर्कुलर ट्रैक छोटा लिया तो बंदर को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरी बात, वो बैठा है आदमी की टाट पे, तो अगर हम आदमी से कंपेयर करें तो बंदर कभी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट बनने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से बंदर पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है। अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर एक बॉल है जो हिट कर रही है, शार्पली टर्न कर रही है। बच्चों आमतौर पर ग्राउंड बहुत बड़ा होता है, चाहे फुटबॉल ग्राउंड हो और चाहे वो क्रिकेट का ग्राउंड हो, तो ऐसी कंडीशन में बॉल को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ इट टेबल, टेबल के किनारे से अगर एक बीकर गिरा दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा, प्यारा सा, सुहावना सा नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है हमारे मार्कर में हो रही है कुछ गड़बड़, जिसकी वजह से हमें लेना पड़ेगा अपना दूसरा मार्कर। तो क्वेश्चन है बच्चों द पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका मतलब हुआ एक्सट्री ग्राफ आपको दे दिया, दो बच्चे हैं, आई थिंक इसका ग्राफ भी होगा, जी हाँ इसका ग्राफ भी है, ये हो गया इसका ग्राफ एक्सट्री ग्राफ, ये है पहले बच्चे का और ये है बच्चों दूसरे बच्चे का। इसमें मैं खास बात बता दूं, प्रिंटिंग एरर है यहां पर, ये दोनों एक ही पॉइंट पर यहां पर कंप्लीट हो रहे हैं ऐसे ऐसे। अब बोला हुआ है बच्चों आपको अगर मैं यहां से इसको ऐसे कंप्लीट कर दूं आई से और ये आपके पास आ गया क्यू और पी, और ये है आपके पास ए और बी ओ।
अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि दो बच्चे हैं रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू। ओ इनका स्कूल हो गया, पी हो गया पहले वाले का घर, ए का घर, और बी हो गया बी का घर हो गया क्यू। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स बिलो। क्या लिखा हुआ है, ए या बी कौन स्कूल के पास रहता है। बच्चों देखो ए का घर पास में है एज कंपेयर टू बी, तो आप लिखोगे ए लिव्स क्लोजर। दूसरा लिखा हुआ है स्कूल जाने घर जाने के लिए किसने पहले चलना शुरू करा। देखो अगर ये बात करूं मैं टाइम टी की, ये बात करूं मैं 10 बजे की, तो डेफिनेटली घर जाने की जल्दी हो रही थी हमारे पी भैया को, सॉरी पी तो घर है ए भैया को, तो ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर, ए स्टार्ट्स अर्लियर। ए बी वॉक्स फास्टर देन बी, कौन तेज चला। कॉमन सी बात है बी बाद में चला लेकिन ए की टाइम पर पहुंचा जबकि बी का घर दूर भी था, तो बी वॉक्स फास्टर। फास्टर फास्टर नहीं होता भैया, फास्टर होता है। और दोनों एक ही टाइम पर पहुंचे या अलग अलग टाइम पर, आप देख रहे हो दोनों एक ही टाइम पर पहुंचे तो सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पर रीच करा। ए ने बी को या बी ने ए को ओवरटेक करा, कॉमन सी बात है बी ने ए को ओवरटेक करा एक बार, बी ओवरटेक ओवरटेकन ए वंस, एक बार ओवरटेक करा और बी ने ओवरटेक करा। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर जो है बड़ा प्यारा सा दुलारा सा, देख लो। अ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, 9 बजे एक महिला अपने घर से निकली, घर से निकलते ही कितने बजे निकली, वॉक्स विद ए स्पीड ऑफ 5 km/h, घर से निकली वो 5 km/h ऑन स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर दूर, कितने दूर है ऑफिस 2.5 किलोमीटर, स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 PM, 5 बजे तक वो वहीं रुकी, 5 PM तक वो वहीं रुकी और उसके बाद वो घर पर आई बहुत तेजी से 25 किलोमीटर/h की स्पीड से वो वापस आई। आपको एक्सटी ग्राफ बनाना है, आपको एक्सटी ग्राफ बनाना है, मैं अपना मोबाइल यहां रख देता हूं, देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों घर से उसको ऑफिस जाने में कितना टाइम लगा, हम सीधा सीधा देख सकते हैं 5 किलोमीटर/h की स्पीड, यानी कि 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती वो, 5 घंटे, 5 घंटे। 2.5 किलोमीटर कितने में ट्रेवल करेगी, आधा घंटा, वरना आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस आपके पास हो गया 2.5 और स्पीड हो गई 5, तो ये आ गया 0.5 आर। इसका मतलब हो गया वो 9 बजे चली थी और 9:30 पर अपने ऑफिस में पहुंच गई, उसके बाद वो ऑफिस में रही 5 बजे तक, और 5 बजे अब वो अपने इस ऑफिस से चली घर के लिए, तो कितना टाइम लगा, टाइम बराबर हो गया, डिस्टेंस था 2.5 किलोमीटर और स्पीड हो गई 25 किलोमीटर/h, पॉइंट हटा 0, 25 से कम 25, 25 धाम 250, इसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा बस 6 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5:06 पर। मुझे ये समझ नहीं आया वो सुबह किस में गई थी। तो यहां पर आपके पास आया एक्स जो है किलोमीटर्स में, और यहां पर आपके पास आया टाइम जो है आपके पास आर में, ये 0। मान लो सुबह 9 बजे का पॉइंट हमने ले लिया ये वाला, ये हो गया सुबह का 9 o'clock, और अब वो 9 o'clock से निकली और 9:30 बजे वो कहां पहुंची बच्चों, 9:30 बजे वो पहुंची अपने ऑफिस। तो अगर मैं मान लू ये हो गया 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 9:30 बजे वो कहां पहुंची, अपने ऑफिस। ये अगर मैं ले लू आधे आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पर, तो आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, ये हो गया 2.5 और ये हो गया 0.5, ये हो गया 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये अगर मैं सीध में लेके जाऊं ये, तो ये आया आपके पास बच्चों ऐसे 9 बजे से 9:30 बजे तक वो कहां पहुंच गई, ये है आपका 9:30, ये पहुंच गई अपने ऑफिस, और 5 बजे तक
जी हाँ सही सुना, 5 बजे तक, 5 बजे तक ये रही अपने ऑफिस में और 5:06 पे वो घर पे वापस आ गई। तो ये हो गया 5:30, 5:30 से और कम करेंगे ये हो गया 5:15, 5:15 से कम मतलब हो गया 5:15, तो इसका मतलब हुआ ये और भी कम पर आई। आप चाहो तो यहां पर लिख दो 5:06। इस तरीके से आप एक ग्राफ बना सकते हैं। 9 से 9:30 ये हो गया आपके पास 9:30 का ग्राफ ऐसे। तो 9:30 बजे वो पहुंची ऑफिस, 2.5 किलोमीटर तक वो वहीं रही 5 बजे तक और उसके बाद 5:06 पर वो कहां गई अपने घर पे। तो ये था आपके पास थर्ड नंबर का क्वेश्चन, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर आपका है अ ड्रंकर्ड। अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स। वो एक नैरो लेन में पतली सी सड़क में चल रहा है 5 स्टेप्स वो आगे जाता है, 5 स्टेप्स वो आगे जाता है और 3 स्टेप्स वो पीछे आता है। 5 स्टेप्स वो आगे जाता है, 3 स्टेप्स वो पीछे आता है, 1 स्टेप 1 मीटर का है, चलने में उसको 1 सेकंड लगता है, एक्सटी ग्राफ बनाना है। अगर 13 मीटर दूर गड्ढा है और आपको उसको गड्ढे में गिराना है, उसकी तो जिंदगी वैसे ही गड्ढे में गिर चुकी है, तो आइए देखते हैं कैसे उसको हम गड्ढे में गिराते हैं। तो मान लो बच्चों शुरुआत में उसने चला यहां से 5 कदम आगे, यानी कि 5 मीटर आगे, ये हो गया आपका डिस्टेंस 5 मीटर आगे और ये हो गया आपका टाइम। 5 मीटर आगे चलने में उसको लगा 5 सेकंड। अब 3 मीटर वो पीछे खिसक गया वापस, तो अब उसका स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस रह गया, यहां से वो 5 मीटर आगे गया था लेकिन 3 मीटर वो वापस आ गया, अब उसका डिस्टेंस बचा 2 मीटर। तो अब उसका डिस्टेंस बचा 2 मीटर लेकिन 3 कदम वापस आने में टाइम तो एक्स्ट्रा लगेगा ना, टाइम घटने वाला नहीं है। तो 5 में हम 3 जोड़ देंगे, ये हो गए 8 सेकंड। अब इस 2 कदम से फिर वो 5 कदम आगे चला, 5 मीटर आगे चला, तो हमारे पास आया 7 मीटर और 8 में 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगे तो ये आया 13 सेकंड। अब 7 मीटर से 3 कदम वो वापस फिर आ गया, तो 7 में से 3 गया 4 मीटर और 13 में 3 जोड़ देंगे, टाइम हो गया 16 सेकंड। 4 मीटर में फिर वो 5 मीटर आगे गया तो ये हो गया 4 और 5 9 मीटर, 16 में 5 जोड़ दिया तो ये हो गया 21 सेकंड। फिर वो 3 कदम पीछे आ गया तो 9 में से 3 गया 6 मीटर और 21 में 3 जोड़ दिया तो ये आ गया 24 सेकंड। 6 में वो फिर 5 कदम आगे गया तो ये हो गया आपके पास 11 मीटर, 24 में 5 जोड़ दिया तो ये आपके पास आया 29 सेकंड, 11 में वो फिर 3 कदम पीछे आ गया तो ये रह गया 8 मीटर, 29 में 3 जोड़ दिया तो ये आ गया 32 सेकंड और 8 में फिर 5 वो आगे जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 13 मीटर, गड्ढे में गिर चुका है और 32 और 5 37 सेकंड। इस तरीके से आपके पास एक कोऑर्डिनेट्स निकल आए हैं और अब हम देखते हैं क्या है इसका ग्राफ, क्या है इसका ग्राफ, क्या है इसका ग्राफ, क्या है इसका ग्राफ। तो बच्चों ये हो गया एक्स और ये हो गया टी। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो हम 5-5 के गैप पे ले लेते हैं या फिर 2-2 के गैप पे ले लेते हैं, बेटर रहेगा 2-2 के गैप पे ले लेते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये हो गया आपका, ये हो गया आपका और ये टाइम हम ले लेते हैं 5-5 के गैप पर, तो यहां पर आपके पास आया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। पहला था 5 मीटर के सामने 5 सेकंड, 5 के सामने 5 आपका ये वाला पॉइंट आया, फिर 2 के सामने 8, 2 मीटर, 2 मीटर के सामने 8 तो आपका पॉइंट आया बच्चों ये वाला, ये वाला आपका पॉइंट आया 2 मीटर के सामने 8 सेकंड, ये वाला पॉइंट आया। फिर 7 मीटर के सामने 13, 7 मीटर यहां पर कहीं होगा, 13 यहां कहीं होगा तो ऐसे पॉइंट आया। फिर 4 के सामने 16, 4 के सामने 16 आपका ये वाला पॉइंट आया।
नो के सामने 21, नो के सामने 21 आपका ये वाला पॉइंट आया, 6 के सामने 24, 6 के सामने 24 आपका ये वाला पॉइंट आया, 11 के सामने 29, 11 के सामने 29 आपका ये वाला पॉइंट आया, 8 के सामने 32, 8 के सामने 32 आपका ये वाला पॉइंट आया, और 13 के सामने 37, 13 के सामने 37 आपका ये वाला पॉइंट आया। तो कुल मिलाकर आपका जो ग्राफ गया बच्चों वो कुछ ऐसा गया, और चाहो तो आप यहां पर पॉइंट भी लिख सकते हो, जैसे 5.5, फिर 2.8, और इस तरीके से आप पॉइंट्स भी डाल सकते हो ताकि टीचर आपको और अच्छे मार्क्स दे। तो ये था आपका एक्सटी ग्राफ, चाहो तो आप यहां पर लिख दो ये है मीटर्स में और ये है आपका सेकंड्स में, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको पूरे 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 1 और ये हो गया 2, अब टाइम मैं आपको नहीं दूंगा। तो कुल मिलाकर आप इसको पॉज करके चेक कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन नंबर 5 है यहां पर बच्चों। अ जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ये जेट एयरप्लेन चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ जेट आपको दे दी 500 किलोमीटर पर आवर। इजेक्ट्स मतलब निकालता है, इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन, जलने के बाद जो धुआं निकलता है जानते हो आप कहां से निकलता है, एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर, धुएं की स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ कंबस्शन ये है 1500 किलोमीटर पर आवर। ये फॉरवर्ड में अगर मैंने प्लस ले ली तो 1500 हम लेंगे माइनस की। रिलेटिव टू द जेट, ओहो वेट वेट वेट, ये धुएं की स्पीड नहीं है, ये रिलेटिव टू द धुआं है, रिलेटिव स्पीड जो है कंबस्शन की विद रिस्पेक्ट टू जेट। अगर ये केवल धुएं की स्पीड होती तो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ कंबस्शन, लेकिन ये जेट के रिलेशन में है तो हम लिखेंगे कंबस्शन की वेलोसिटी विद रिलेशन टू जेट। आपको कुछ बात समझ में आई होगी, मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया था, आप लास्ट क्लासेस देख सकते हैं। मेरी अकेले की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ आर, मेरी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, तो वो आएगा वेलोसिटी ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ दूसरा ऑब्जेक्ट। तो यहां पर वही है कंबस्शन की वेलोसिटी बोल रखी है विद रिस्पेक्ट टू जेट, और आपको याद होगा इसको हम कैसे शो करते थे, वी सी माइनस वी जे, ये आ गया माइनस का 1500, वी सी आपके पास आ गया, जे की वेलोसिटी आई 500 वी सी माइनस 1500 प्लस का 500, तो ये आ गया वी सी इक्वल्स टू माइनस का 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो आपको निकालना था, अकेले धुएं की वेलोसिटी, अकेले कंबस्शन की वेलोसिटी, अगर वो देख रहा है कोई उसको ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, तो यहां पर हमारी ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ कंबस्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो निकल जाएगा वेलोसिटी ऑफ कंबस्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड की स्पीड तो जीरो होती है, तो वेलोसिटी ऑफ कंबस्शन जो हमारे पास आएगा वो माइनस का 1000 किलोमीटर पर आवर ही बच्चों आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर, एक कार चल रही है 126 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, अगर इसको मैं 126 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये बन जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड, 18 × 7 = 126 होता है, यू की वैल्यू आ गई 35 मीटर पर सेकंड। इज ब्रॉट टू ए स्टॉप, इस गाड़ी को हमें रोकना है, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 विद इन डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए इसको रुकने के अंदर, 200 मीटर। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, आपको निकालनी है ए जो आएगी आपकी नेगेटिव, ये ध्यान रखना आप, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबे समय लगेगा इस कार को रुकने में, तो आइए देखते हैं। मैं अपनी मम्मी जी का मोबाइल बड़े आराम से रख दूं, वरना आज बीजेपी बीजेपी के अलावा पत्नी मुझे कौन कौन सा नाम लेने पड़ेंगे। तो आते हैं यहां पर फटाफट,
ये आपके पास आया v इक्वल्स टू u प्लस at, लेकिन आपको a और t दोनों ही नहीं पता, तो इसका मतलब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने वाले, इसको मारो गोली। दूसरा हम लेते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v की वैल्यू बच्चों जीरो है, जीरो का स्क्वायर हो गया जीरो, u की वैल्यू है 35, ये लगा दिया आपने 35 का स्क्वायर 2a और s की वैल्यू आई 200, माइनस 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 चौक हो गया 12, ये आ गया 200 दुनी 400, साथ में a और a की वैल्यू आ गई माइनस 1225 अपॉन में 400। तो अगर हम डिवाइड करें ये आ गया 4 3 12, कितना 4 3 12, और ये आ गया आपके पास 400 3 1200, अरे भैया डिवाइड भी करना पड़ेगा, 4 3 12, और ये आ गया आपके पास 4 6 24, 24 एक 4 2 8, 4 5 20 अपॉन में 100, ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको मैं डिवाइड करूं 1225 को, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं मैंने सही डिवाइड करा है या नहीं करा है, 400 3 1200, ये बचा 25, पॉइंट लगाई 0, फिर लगाई 0, 400 6 2400, 100 बचा 4 2 8, 4 5 20, ठीक है। तो आपके पास एक्सीलरेशन आया माइनस का 3.0625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास बच्चों निकल के आया एक्सीलरेशन, या फिर बोला जाए आपको रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव, वेयर वेलोसिटी लगातार घटती चली जाती है, देखिए मेरी इंग्लिश, वेयर वेलोसिटी लगातार घटती चली जाती है। आपको बच्चों टाइम भी निकालना था, वो आप यहां से निकाल सकते हैं बिल्कुल अपने आप, v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू है 35, a की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, टाइम की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं जो आएगी आपके पास सेकंड्स में। तो ये था आपके पास क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ना इस ओर ना उस ओर, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं बच्चों ध्यान से, इसका आंसर एनसीईआरटी में कई सालों से गलत छपा हुआ है और एनसीईआरटी रेक्टिफाई नहीं कर रही है, मॉडिफाई नहीं कर रही है, उसको सही नहीं कर रही है, लेकिन हम आपको बताएंगे इसका आंसर सही वाला क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों इस टाइप से है कि अगर मान लो दो ट्रेन है, ए ट्रेन और ये हो गई आपके पास बी ट्रेन, ये ए ट्रेन और ये हो गई बी ट्रेन, हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको ए करना पड़ेगा और इसको बी करना पड़ेगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है ए आगे चल रही है। ये हो गया ए का ड्राइवर, ये हो गया ए का गार्ड, ये हो गया बी का ड्राइवर, ये हो गया बी का गार्ड। ये बच्चों ए और बी के बीच में इनिशियल डिस्टेंस है, ये है इनिशियल डिस्टेंस। आपको बोला हुआ है टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर, दोनों की लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों आपको, ये दे रखी है आपको 400 मीटर, आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड कितनी है आपको 72 किलोमीटर पर आवर दे दी गई है। अगर मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपके पास निकल के आएगी 20 मीटर पर सेकेंड, जो आपके पास आई इनिशियल वेलोसिटी। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए, ड्राइवर ऑफ बी ने डिसाइड करा ए को ओवरटेक करने में, और ए को ओवरटेक कब करा हुआ माना जाएगा, मान लो कुछ देर बाद ट्रेन पहुंची यहां तक और ये बंदा पहुंच गया, ये इसका गार्ड हो गया, ये इसका ड्राइवर हो गया ए का, और ये बंदा पहुंच गया यहां तक, ए यहां तक भिषकिया, ये हो गया इसका गार्ड, ये हो गया इसका ड्राइवर, किसका, बी का। तो ए ने बी ने डिसाइड करा इसको भैया आज धूल चटानी है, इसको हम ओवरटेक करेंगे, बहुत अपने आप में शहनशाह बनता है। तो ए बी ने एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करी अपने अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड बढ़ानी चालू कर दी, और ठीक 50 सेकंड बाद, कितने टाइम बाद, 50 सेकंड बाद, द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना था। अब बच्चों ध्यान से देखो कि
हम मानेंगे कि डी ने ये बी ने ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो यहां पर था ड्राइवर, वो पहुंच गया ड्राइवर आपका यहां पर, ये डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। और बात करते हैं ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ए के द्वारा। हमें निकालना है ये वाला हिस्सा, तो देखो यहां से लेकर यहां तक जो भी आया उसमें अगर मैं ये घटा दूं, इतना घटा दूं, उसके बाद इतना घटा दूं और उसके बाद इतना घटा दूं, तो हमारे पास बचेगी केवल ये लेंथ, इनिशियल डिस्टेंस। तो देखो ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, ये हो गया लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन, ये हो गई लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन और ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। अब एनसीईआरटी ने क्या काम कर रखा है, उसने एसबी में से ऐसे घटा दिया, ये दोनों लेंथ नहीं घटाई, तभी तो आपके पास ये निकल के आएगा। तो हम निकालने जा रहे हैं पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। फॉर्मूला लगेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी थी 20, कितने सेकंड बाद ब्रश पास्ट करा, प्लस 1/2, एक्सीलरेशन थी 1 और टाइम आ गया आपके पास 50 का स्क्वायर, ये हो गया 1000, 2500 अपॉन में 2, ये आ गया 1250 और 1250 में 1000 जोड़ा तो ये आ गया 2250 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ये आपके पास आया यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर आप लगा भी दोगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है क्योंकि फर्स्ट ट्रेन की जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, उसने अपने आप को एक्सेलरेट नहीं करा। इनिशियल वेलोसिटी 20 और कितने डिस्टेंस बाद, कितने टाइम बाद ऐसा हुआ, 1000 मीटर आपके पास आ गया। तो इनिशियल डिस्टेंस हम जो निकालेंगे, इनिशियल डिस्टेंस हम जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 2250 माइनस कर दिया 1000, माइनस कर दिया फर्स्ट ट्रेन की लेंथ और माइनस कर दिया सेकेंड ट्रेन की लेंथ, तो आंसर आएगा आपके पास 450 मीटर। फिर से बता दूं, यहां से यहां तक हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, इसमें से माइनस कर दिया आपने लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ट्रेन, तो आपके पास ये वाला जो बचा वो आपके पास बचा इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं कर देता हूं फटाफट से रब। क्वेश्चन है बच्चों अगला आपके पास, क्वेश्चन नंबर एट आपके पास है, ऑन अ टू लेन रोड, कितने लेन की रोड है आपके पास, दो लेन की रोड है। कार ए इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ए चल रही है इस डायरेक्शन में, ए चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर। टू कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन, बी और सी ए को अप्रोच कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में से, अभी ये नहीं पता बे पीछे से आ रही है कि सी पीछे से आ रही है। दो कार बी और सी अप्रोच कर रही है ए को अपोजिट डायरेक्शन से, उनकी स्पीड है 54, तो ए की स्पीड आ गई 36 और बी की और सी की आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं यहां पर 5/18 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकंड, और यहां पर भी 5/18 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 15 मीटर पर सेकंड। एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी, बी ने डिसाइड करा ए को ओवरटेक करने के लिए, तो इसका मतलब बी पीछे से आ रही है उससे पहले कि सी ओवरटेक कर जाए, यानी कि सी यहां से आ रही है ऐसे टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। अब देखिए बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पीछे से आ रही है तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी है 15, उसमें से कम कर देंगे हम वेलोसिटी ऑफ ए जो है 10, तो ये बची 5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए ये है 15,
और सामने से आ रही है ए, तो इसमें हम जोड़ देंगे 10, तो ये आपके पास आया 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, ए सी पर जल्दी पहुंचेगा, सी ए तक जल्दी पहुंचेगा, बी ए तक लेट पहुंचेगा। तो हमने ए वाला कंसेप्ट ड्रॉप ही कर दिया। दोनों डिस्टेंस हमने कितने मान लिए, ये डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर और ये वाला डिस्टेंस भी 1000 मीटर। तो कितने टाइम में पहुंचेगी सी ए तक, तो पहले ये निकालते हैं। तो हमने निकाला एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या हो गया आपके पास, 1000 मीटर, 1000 मीटर, मीटर नहीं लगाते हैं मेडिकल के अंदर। यू आपके पास क्या आया, सी की स्पीड कितनी आई, 25 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपको पता नहीं है, एक्सेलरेट इस कार ने अपने आप को नहीं करा है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो। टाइम आ गया आपके पास 1000 अपॉन में 25, तो ये आ गया आपके पास 40 सेकेंड। इसका मतलब सी का मिलन जो ए से हुआ, मिलन समझ रहे हो बात को, सी का मिलन जो ए से हुआ वो हुआ 40 सेकेंड बाद। आपको इसको भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा ताकि ये ए तक पहुंच जाए 40 सेकंड में ही। तो हमने बी की एक्सीलरेशन मान ली ए, और इसी एक्सीलरेशन को बोला गया है निकालने के लिए। तो फिर से हमने फॉर्मूला लगाया एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू आ गई 1000, यू आपके पास आया ये वाला 5, टाइम आपके पास कितना आया 40 सेकेंड प्लस 1/2, एक्सेलरेशन निकालनी है और टी आया 40, 40 का स्क्वायर हो गया 1600, ये आ गया 1000, 40 × 5 = 200 प्लस 2 से गया ये 800, ये आ गया आपके पास 801। 1000 में से 200 घटा दिए, ये आ गया 800A, और फाइनली 1000 में से 200 गया तो बचा 800 इक्वल्स टू 800A, और एक्सीलरेशन आपके पास आ गई 800 अपॉन में 800, यानी कि ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मिनिमम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन होनी चाहिए, तब जाके ये उतनी ही करेक्ट टाइम में पहुंचेगा। अगर ओवरटेक करना है तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा आपको एक्सीलरेशन रखनी पड़ेगी। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल्स का, फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 3 का। आगे हम स्टार्ट करेंगे इसके और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, करीबन 26-27 न्यूमेरिकल के आसपास। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।